तो ये है चकरी के सर्कल में माचिस बम का बंडल, और उसके बाद ये है रॉकेट जिसको लिटा के चलाते हैं। तो देखते हैं क्या रॉकेट सीधा जाता है या फिर नहीं। और उसके बाद ईगल के सेवन कलर स्काई शॉट को लिटा के चलाते हैं। और ये है अनार के नीचे एक सुतली बॉम्ब, तो यहाँ पे अनार जल चुका है, बॉम्ब किसी भी टाइम फट सकता है। सो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आयुष। और यहाँ पे आज की वीडियो पे हमारे पास है दिवाली के कुछ क्रैकर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं अनार के नीचे है एक बॉम्ब तो जिसको हमने अटैच करके रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे माचिस बॉम्ब का बंडल बनाया है, तो काफ़ी सारे बॉक्सेज हैं उनका एक एक बंडल बनाया है, और इसको चक्री के सर्कल में रखने वाले हैं। तो जब चक्री को चलाएंगे तो सारे बंडल एक साथ चल जाएंगे, तो नज़ारा काफ़ी देखने वाला होगा। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये रहा वो माचिस का बंडल, तो देख सकते हैं एक में कितने सारे लगाए हैं। उसके बाद एक फ्यूज़ बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल पांच हैं, तो इन पांचों को मैंने सर्कल के फॉर्म में रख दिया है। और उसके बीच में एक चक्री है, और ये चक्री जो है फ्रीली घूम रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें बारूद डालते हैं, तो जितने भी बंडल हैं इन सबके ऊपर बारूद डालेंगे, जिससे कि सारे बंडल एक साथ चल जाएंगे और जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। तो अभी आप लोग देखिएगा जब चक्री को चलाएँगे तो क्या होता है, तो चलिए चलाते हैं। ओ भाई साहब तबाही, तो जैसा कि आपने देखा काफ़ी बढ़िया था। दूसरे एंगल से देखते हैं, ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आपने देखा जो नज़ारा था काफ़ी बढ़िया था, एक के बाद एक ब्लास्ट करते जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंडल बच गया है हमारा। ओ भाई तो इसको भी चलाते हैं, तो ये कैसे बच गया, इसको भी चलाते हैं और देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारे बंडल चल चुके हैं, तो पहली बार में जो हुआ था काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। और ये रही वो चक्री, और अब चलाते हैं इस अनार के नीचे जो बॉम्ब लगाया है उसको। तो पहले हम अनार को चलाएंगे, बॉम्ब ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो देखते हैं। तो अनार में लग गई है आग, और देखते हैं यहाँ पर रेड कलर का ये लाइट इसमें से निकल रही है। तो भाई यहाँ पे जो बॉम्ब है वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता है, तो आप लोग देखते रहिए। और ये ब्लास्ट हुआ बॉम्ब, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। और यहाँ पे देखिए जो सुतली है वो अभी तक जल रही है, सुतली में आग लग चुकी है। और अब चलाते हैं बिजली बॉम्ब की लड़ को, तो ये छोटी वाली लड़ है, तो इसको चला के देखते हैं इसका साउंड कैसा आता है। तो भाई काफ़ी बढ़िया थी। और अब चलाते हैं चाइना की चटाई राइडर वाली, तो इसकी क्रैकलिंग देखते हैं कैसी है। तो क्रैकलिंग काफ़ी बढ़िया थी। उसके बाद चलाते हैं इस अजीब से दिखने वाले क्रैकर को, तो देखते हैं कैसा ब्लास्ट होता है ये। और ये क्रैकर ही ख़राब निकला, तो चलिए दूसरे क्रैकर को चलाते हैं। तो उसके बाद ये है रॉकेट के ऊपर का जो बुलेट बॉम्ब होता है वो, तो ईगल का जो रॉकेट होता है वो है ये, तो उसका मैंने बुलेट बॉम्ब निकाला है, तो देखते हैं चला के। ओ भाई तो यहाँ पे तुरंत ये देखिए ब्लास्ट हो गया। एक और चला के देखते हैं, इसकी बात ही बहुत छोटी है, और आवाज़ देखिए कितनी बढ़िया आती है इससे। उसके बाद चलाते हैं हंटर को, जिसको सिल्वर टॉर्चेस भी बोलते हैं, तो इसकी लाइट देखते हैं। तो भाई साहब देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रेशर ऐसा है, हाथ में जब इसको पकड़ो तो ऐसा लगता है कि प्रेशर फील हो रहा है पीछे। तो चलिए अब चलाते हैं दूसरे क्रैकर को, और ये है देखिए अजीब सा दिखने वाला क्रैकर, ये रॉकेट है या फिर चक्री, इस चक्री के अंदर से मैंने निकाला इसको, तो देखते हैं इसको चला के क्या होता है। ओ भाई ये कहाँ गया, एकदम से पागल हो गया। तो अब चलाते हैं चिदंबरम के बुलेट बॉम्ब को, इसका साउंड देखिएगा। तो भाई इसका साउंड काफ़ी बढ़िया था। और अब चलाते हैं चटर पटर क्रैकर को,
तो भाई क्रैकलिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त थी जैसा कि आपने देखा। और उसके बाद ये होली का कलर स्मोक, तो इसको चला के देखते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा कलर स्मोक निकलता है। और यहाँ पे स्मोक निकला वाइट, अभी ये कलर चेंज हो जाएगा। तो भाई ये है येलो कलर का होली का स्मोक, तो काफ़ी बढ़िया है। देखिए डेंसिटी इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये था होली का कलर स्मोक। उसके बाद ये है ईगल का कश्मीर क्वीन, जिसको हम लोग उल्टा करके चलाने वाले हैं। तो सीधा नहीं चलाएंगे इस बार, उल्टा चलाएंगे। देखिए इसका मैंने जो अपसाइड डाउन रखा है, तो इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो नज़ारा था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छे से ब्लास्ट हुआ। और ये देखिए ब्लास्ट हो के यहाँ पे आया है इसका जो खाली सेल है वो। और अब चलाते हैं ईगल के 7 कलर स्काई शॉट को लिटा के। जी हाँ, लिटा के चलाएंगे इसको, सीधा नहीं चलाएंगे, लिटा के चलाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पीछे पीछे, ओह ये तो भाई पूरा एक बार में निकल गया। ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिली यहाँ पे। तो एक और चलाते हैं, इसको भी कुछ अलग तरीके से चलाते हैं। तो स्काई शॉट को रखते हैं सीधा, लेकिन हम रखेंगे इसको उल्टा। तो इसको ऐसे चलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा हमें लग रहा है। तो चला के देखते हैं, इसमें ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलेगी। और ये देखिए ऊपर गया, अब नीचे आया। एक बार स्लो मोशन में देखते हैं, ये गया ऊपर और ग्रीन कलर की लाइट देखिए नीचे नीचे आ रही है। और ये आया नीचे, ईगल का 7 कलर स्काई शॉट। और यहाँ पे देख सकते हैं हल्के हल्के डॉट से बन गए जो ग्रीन कलर की लाइट निकाले थे। और अब चलाते हैं विसल वाले रॉकेट को लिटा के। तो इसको देखते हैं चला के क्या ये सीधा जाता है या फिर नहीं। तो रॉकेट में आग लग चुकी है, तो भाई देखते हैं कहाँ जाता है ये। वैसे इसमें डंडी लगी हुई है, सीधा जाएगा। और भाई साहब वो देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से गया। एक बार फिर से देखते हैं स्लो मोशन में, ये देखिए बिल्कुल सीधा गया, उसके बाद हल्का सा ऊपर हो गया, काफ़ी बढ़िया था। तो अब चलाते हैं दूसरे रॉकेट को, लूनिक का रॉकेट है ये। तो इसको चलाते हैं, डंडी हल्की सी हटा दी है, लिटा के चलाएंगे इसको भी, देखते हैं क्या होता है। और भाई स्पीड देखिए काफ़ी तेज़ गया और काफ़ी बढ़िया था। और अब चलाते हैं एक यूनिक क्रैकर। तो ये क्रैकर के अंदर से निकाला है, तो इसको चला के देखते हैं ये इसमें क्या फंक्शन देखने को मिलता है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे पहले अनार तरीके निकलता है, उसके बाद ब्लास्ट किया। ऑल राइट गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।